तो देखिए मैं आज पूरी बना रही हूँ, आलू का कचौड़ी बनाएंगे। ये देखिए तो सिटीजनपुरिया में आपका स्वागत है। ये देखिए आज आलू का कचौड़ी बना रहे हैं डुग्गू के पापा ना। ये देखिए जूता पहन के, अभी जूता निकालने से ठंड नहीं लगती। हाँ बोलो। ये देखिए डुग्गू सो रहा है, मैं बना रही थी उठ गया, तो डुग्गू के पापा बना रहे हैं। ये देखिए घूम के आए, बस ऐसे बैठ के बनाने अभी भूज रहे हैं, इसके बाद छानेंगे बना के। और आटा उटा सब व्यवस्था। नया कलाकार आ गए हैं आज घर पे बनाने के लिए, देखिए कैसे बना रहे हैं। बस उतार दो नीचे। हाँ मैं निकाल के रखा थाली में। हाँ दोस्तों देखिए अब तेल को कढ़ाई में डाला गया है और इसको गर्म किया जा रहा है, जैसे गर्म होता है ठीक। उसके बाद जो है ये जो मटेरियल बनाया गया है आप देख सकते हैं, आटा भी गूंथा गया है वो भी आप देख सकते हैं। और फिर इसको आलू है और मटर का है और मेथी है और कई कई आइटम जो है इसमें डाला गया है, जो आलू की कचौड़ी से बनाया जा रहा है। और हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे देखो आटा किस तरीके से गूंथा जा रहा है, अब इसको सीधे बनाएगा, इसी मटेरियल जो है डाला जाता है। देखिए आटे को थोड़ा बनाने के बाद उसको गहरा किया जाता है, उसको मटेरियल डाल दिया जाता है। डालने के बाद अब देखिए धीरे धीरे पूरे वीडियो का हम देख सकते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। बहुत मेहनत करना पड़ता है और मिलाना पड़ता है, उसके बाद जो है बनता, नहीं तो फट जाएगा, तो मटेरियल जो है बाहर निकल जाएगा। देखिए कढ़ाई में जो तेल डाला गया है सब गर्म है, एकदम हीट हुआ है। अब देखिए देखिए चेक करते हैं, देखिए तेल में एकदम गर्म है, थोड़ा सा आटा डाल कर चेक कर दिया गया है। और कम से कम दो तीन बन जाए तो साथ में डाला जाए। देखिए डाल दिया गया है, दो दो साथ में बनाया जा रहा है। और जैसे जैसे बनता है उसे डाला जाएगा। देखो पक रहा है धीरे धीरे तेल में, और तेल हीट भी है और इधर बन भी रहा है। देखिए बन के तैयार हो गया और यहाँ बन भी रहा है, दो दो जैसे बन रहा है उसे निकाला जा रहा है। और धीरे धीरे अब गर्म रहेगा, गर्म खाने में स्वाद भी इसका बहुत अच्छा आता है। थोड़ा तेल गर्म हो गया तो इसलिए लाल हो गए। देखिए दोस्तों अब एक एक करके पलटा जा रहा है, और तेल जो है इस जो पहले बना उसमें ज़्यादा गर्म था इसलिए, और आग के जो है आँच भी बहुत तेज़ी से, इसलिए पानी के माध्यम से इसको थोड़ा कम कर दिया जा रहा है। और ठंड भी बहुत तेज़ है, और ठंड में जो है ये सब कुछ खाने का बहुत मन कहता है, चाहे आलू का पराठा हो, चाहे आलू की कचौड़ी हो, गोभी का पराठा हो, या गाजर का हलवा हो, आप जान सकते हैं। किसी न किसी हर रोज़ जो है बदल कर बनाया जाता है, जो भी ठंड में खाने का मन करता है वो भी बनाया जाता है। दोस्तों देखिए ये सब बनकर तैयार हो गया और बन भी रहा है धीरे धीरे। मैंने नन्नू का जो पूड़ी डाला गया आप देख सकते हैं, बहुत बारीकी से देखिए। बेटे मेरा उठ गए हैं, वो बोल रहे हैं मैं पूड़ी खाऊँगा। इसी के साथ में दोस्तों आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।